लास्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर 3 में हम बात कर चुके हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट के बारे में। एंड दिस चैप्टर चैप्टर नंबर 4 इज गोइंग टू बी अबाउट ट्रांसमिशन मीडियम्स। तो थोड़ा बहुत हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कई जगह पे कि व्हाट इज ट्रांसमिशन मीडियम, है ना, टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम्स। जैसे डेटा कम्युनिकेशन के जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर था उसमें भी हमने बातें की है कि वायर्ड होता है, वायरलेस होता है। तो वायर्ड को हम गाइडेड भी बोलते हैं, वायरलेस को अनगाइडेड भी बोलते हैं। तो गाइडेड क्यों है वायर्ड वाला, क्योंकि हम उसको किसी वायर के अंदर से गाइड करके सिग्नल को भेज रहे हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारा ट्विस्टेड पेयर वाला हो या कोएक्सियल हो, तो उसके अंदर एक कॉपर की वायर होती है, तो उस वायर के अंदर से तुम्हारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाते हैं। ठीक है, जैसे फाइबर के केस में हम बात करें तो फाइबर जो होता है ग्लास या प्लास्टिक का, उसके अंदर से लाइट के सिग्नल्स जाते हैं, तो दे आर गाइडेड इन अ वे। अनगाइडेड क्यों बोलते हैं वायरलेस वालों को, क्योंकि उसमें तुम्हारा गाइड नहीं हो रहा कहीं पे, बिल्कुल ओपन स्पेस पड़ा है सारा, और उस ओपन स्पेस में से तुम्हारा सिग्नल ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्वेंसीज। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अनगाइडेड। तो टाइप्स क्या क्या लिखे हैं आप यहाँ देख लो, और अदरवाइज इफ यू सी हियर कि भाई अगर आप टाइप्स की बात करोगे तो ट्रांसमिशन मीडियम जनरली दो टाइप के हैं, वन इज योर वायर्ड मीडिया एंड वन इज योर वायरलेस मीडिया। तो वायर्ड के देखोगे तो कोएक्सियल है जो सबसे पुराना है, ट्विस्टेड पेयर है, उसके बाद फिर जो फेमस हुआ था तुम्हारा लैन में, इथरनेट लैन में, और फाइबर ऑप्टिक, तो फिर तुम्हारा यू नो करंट एंड फ्यूचर यही है सर। जब भी हम लार्ज डिस्टेंसेज की और ज्यादा डेटा ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो द आंसर इज ऑप्टिकल फाइबर। तो फिर हम इसमें भी आगे टाइप्स देखेंगे, जैसे ट्विस्टेड पेयर के दो टाइप लिखे हैं, एसटीपी और यूटीपी, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। कोएक्सियल के भी आगे ऐसे इसी तरह से दो टाइप आते हैं तुम्हारे, एक थिन नेट आता है, एक थिक नेट आता है। तो फाइबर के भी ऐसे ही दो तुम्हारे मेजर टाइप्स होते हैं, क्लासिफिकेशन होते हैं, एक तुम्हारा सिंगल मोड फाइबर होता है, एक तुम्हारा मल्टी मोड फाइबर होता है। तो ये हम इसके अंदर बात करने वाले हैं। अनगाइडेड में क्या है तुम्हारा, हमारे पास रहेंगी फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंट वेव्स रहेंगी, वेव की फॉर्मेट में डेटा जाता है। तो रेडियो वेव्स क्या है, माइक्रोवेव्स क्या है तुम्हारी, इनकी हम बात करेंगे, इंफ्रारेड की बात करेंगे हम, एंड ब्लूटूथ की बात करेंगे। तो ये हम, और एक और रहेगा हमारे पास लाइट वेव। तो चार तरह की फ्रीक्वेंसीज की हम बात करेंगे कि किसकी क्या क्या तुम्हारी एप्लीकेशंस है, क्या यूज केसेस एंड ऑल, वो सारी बातें, राइट। तो दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी अबाउट ऑल ऑफ दिस। तो अगर आप देखेंगे कि भाई है क्या ट्रांसमिशन मीडियम, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो थ्योरेटिकल, बट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि सेंडर से रिसीवर तक डेटा भेजने के लिए बीच में जो हम मीडियम यूज करते हैं, वायर्ड और वायरलेस, गाइडेड और अनगाइडेड, दैट इज योर ट्रांसमिशन मीडियम, राइट। तो दिस वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, फर्स्ट वी विल डिस्कस वायर्ड एंड देन वी विल डिस्कस वायरलेस। ओके, ट्विस्टेड पेयर के टाइप लिखे हैं, कोएक्सियल के टाइप लिखे हैं, अभी मैंने जैसे बताया था फाइबर के टाइप लिखे हैं यहाँ पे, और अनगाइडेड के टाइप लिखे हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइडेड या वायर्ड मीडिया से। सबसे पहले हमारे पास क्या है, कोएक्सियल केबल्स है, राइट। तो कोएक्सियल केबल क्या है आपके पास, देखो जनरली आपको जो आइडिया है ये नाम कोएक्सियल है ना, कि एक एक्सिस है दो केबल्स की, कौन सी, तो मेन मेजर केबल तो ये एक ही है, बीच में दिख रहा है ये जो कॉपर है तुम्हारे पास, सो दिस इज योर मेजर केबल, इसके अंदर से तुम्हारा सिग्नल इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रेवल करता है। ठीक है, और ये देखो लिखा है ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इसमें ट्रेवल करते हैं। चलिए ये दिख रहा होगा तुम्हें, ये शील्डिंग है एक तरह से, इसकी इंसुलेशन कह लो आप एक तरह से, मतलब प्रोटेक्शन, या बोल लो कि नॉइज को कम करने के लिए, अटेन्यूएशन को कम करने के लिए, है ना, इफेक्ट्स को कैंसल आउट करने के लिए, जो तुम्हारे नॉइज वाले हैं, अटेन्यूएशन वाले हैं। तो ये दो एक तरह से तुम्हारे पास कंडक्टिंग लेयर्स हैं। तो उसी आप यहाँ पे देखोगे, इट इज नेम्ड सो बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर। सेंटर में तुम्हारे पास इनर कंडक्टर है, दिस वन वी आर टॉकिंग अबाउट, कॉपर की जो कोर है, और ये क्या लिखा है, कंटेन्ड इनसाइड एन इंसुलेटर, ये दिख रहा है जो व्हाइट शीट सी दिख रही है, ये तुम्हारी क्या है, इंसुलेटर है। ठीक, क्योंकि अब ऑब्वियसली भाई जहां पे भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसकी इंसुलेशन हमेशा जरूरत पड़ती है। आप घरों में भी नॉर्मली तार यूज करते हो, उसके बाहर आपको प्लास्टिक की कवरिंग मिलती है, तो दैट इज इंसुलेशन। तो दिस एक्चुअली कैरीज द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो मेजर सिग्नल आपके कहाँ से जा रहे हैं, इस कॉपर कोर में से।
इसके अराउंड क्या होता है, देर इज अनदर लेयर ऑफ इंसुलेशन प्रोवाइडिंग अ शील्ड। ये क्या है तुम्हारी, शील्ड प्रोवाइड करवा रही है, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंड कंडक्टर। ये ग्राउंड का काम कर रहा है, ठीक है। और ये जो दिख रहा है तुम्हें, इसको आप क्या बोलते हो, जैकेट, ठीक। ये तुम्हारी पूरी टोटल केबल को प्रोटेक्ट करती है। सो आउटर शील्ड दिस जैकेट प्रोवाइड द इनर कंडक्टर फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है। तो ये एक्चुअली इसकी बात हो रही है, इस शील्ड की। तो शील्ड ये है, ये जैकेट है जो एंटायर इसको भी और इसको भी प्रोटेक्ट करती है। तो आई गेस यू गॉट द आइडिया। अगर आप दो कंडक्टर वाली बात करो, दिस इज फर्स्ट कंडक्टर, दिस इज योर सेकेंड, एंड ये है तुम्हारा मेजर डेटा कैरी करने के लिए। ये होता है इसकी जो तुम्हारे EMI RFI लॉसेस, हम आगे बात करेंगे, उनसे बचाने के लिए कुछ हद तक। और ये जो ब्लैक आपको दिख रहा होगा, ये एंटायर केबल की प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, इसके चारों तरफ। चलिए, जो दिस इज योर कोएक्सियल केबल, अब हम बात कर लेते हैं इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और इसकी लेट्स से एप्लीकेशंस की। और ये भी लिखा है जनरली कि आपको जरूरी ये कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई दो ही मिलेंगे हमेशा। आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक्सियल केबल देखो, उसके अंदर बस एक मेजर कॉपर ही वायर मिले जो सेंटर वाली होती है, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स, तो दैट इज लाइक मैक्सिमम क्या हो सकता है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल वी डिस्कस्ड, स्मॉलर डिस्टेंस इन कंपेरिजन टू फाइबर, तो एक कंपेरिजन हो गया फाइबर के साथ, जब हम आगे पढ़ेंगे फाइबर को, तो देन दिस कंपेरिजन विल मेक मोर सेंस कि ये कम डिस्टेंस मैक्सिमम कितना दिया है, 500 मीटर, आधा किलोमीटर तक। तो दो ही ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास, वन इज टू कवर 200 मीटर एंड वन इज टू कवर 500 मीटर। तो जो कोएक्सियल केबल 200 मीटर के डिस्टेंस को कवर करती है, उसको बोलते हो थिन नेट, एंड 500 मीटर को थिक नेट। और आई गेस इसको 10 base 2 भी बोलते थे, और इसको 10 base 5 भी बोलते, 2 means 200 meter, 5 means 500 meter। अच्छा, और चीज इसके बारे में बताने वाली क्या है, हाँ, अगर आपको इससे लॉन्गर डिस्टेंसेस तक लेके जाना ना डेटा यूजिंग कोएक्सियल केबल्स, देन आप फिर क्या करोगे, बीच में यूज रिपीटर्स यूज करोगे बीच बीच में, ठीक है। तो दैट्स अ नेसेसिटी। फाइबर इसीलिए अच्छी होती है क्योंकि उसमें बिना रिपीटर्स के आप वन लॉन्ग हॉल जो केबल है फाइबर की, वो बहुत किलोमीटर, 50 किलोमीटर, जैसे 40-50 किलोमीटर तक भी आप आराम से डेटा लेके जा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर लॉसेस ज्यादा होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, जो तुम्हारे लेट्स से कि ये कोएक्सियल केबल जा रही है, इसके अंदर से डेटा है कहीं पे, और इसके पास एक बिजली वाला खंबा है, ठीक है, बिजली वाले पोल जहां से तुम्हारी वो तारे जाती है, तो इसका फर्क पड़ता है, ठीक। इस ये भी इसके अंदर भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उसमें लॉसेस होते हैं, EMI लॉसेस बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। ऐसे ही अगर तुम्हारे पास कोई टावर है जो तुम वो यूज करते हो ना मोबाइल में, इंटरनेट मोबाइल जिससे कनेक्टिविटी होती है, कॉलिंग करते हो, तो उसमें क्या होती है फ्रिक्वेंसी, वायरलेस सिग्नल्स, तो उससे फिर इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस के लॉसेज आते हैं। तो इसमें लॉसेज बहुत होते हैं तुम्हारे, और इसीलिए ये ज्यादा डिस्टेंसेस कवर नहीं कर पाता। फाइबर में हम पढ़ेंगे, उसमें ये लॉसेज नहीं होते, बिकॉज उसके अंदर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं होता, इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं जाते, उसके अंदर होता है सिर्फ एक ग्लास का या उसका प्लास्टिक का पतला सा एक रेशा होता है, बाल टाइप, उससे ही पतला, आई गेस, और उसके अंदर से तुम्हारे जो सिग्नल जाते हैं वो लाइट की फॉर्म में जाते हैं। तो आते रहिए जी, जो भी ये करंट होगा या फ्रिक्वेंसी, इसका कोई फर्क उस पर नहीं पड़ता। तो बहुत लॉन्गर डिस्टेंसेज तक बिना रिपीटर के आप डेटा ले जा सकते हो। सो दैट इज फाइबर। ओके, ये जो कनेक्टर यूज करेगी कोएक्सियल केबल तुम्हारी, वो RG58 11 एंड 59 यूज करती है। 11 तो मैंने बता दिया, वो जो तुम्हारा थिक नेट 500 मीटर वाला 10 base 5, RG58 फॉर थिन नेट 10 base 2, और जो केबल टीवी वाले कनेक्टर आते हैं BNC कनेक्टर है ना, वो RG59। लेट मी शो यू सो दैट यू कैन हैव दिस रेफरेंस, कोएक्सियल केबल कनेक्टर्स। ठीक, ये सारे देख पा रहे हो आप, तो चलो थोड़ा सा आपके लिए कंपैरिजन आसान हो जाए, तो लेट मी राइट RG11 कनेक्टर, राइट। देखो जी, ये जो इस तरह का दिखेगा, ये कौन सा होगा तुम्हारा, RG11। तो तुम्हें कुछ ऐसा जरूरी नहीं है ये कि याद ही रखने हैं ये शेप वगैरह, बस तुम्हें एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ ऐसे कनेक्टर्स होते हैं। ये देखो जी, ये कौन से हो गए तुम्हारे, RG58, और कौन सा है,
रजिस्टर जैक होता है, आरजी का मतलब रजिस्टर जैक होता है कि क्या होता है, रेडियो गवर्नमेंट। हाँ वो आरजे का होता है रजिस्टर जैक, ये होता है रेडियो गवर्नमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का स्पेसिफिकेशन है ये, यूएस का उनका बनाया हुआ। ये देखो अगर तुम वो घर वाली वो देखोगे ना, डिश क्या बोलते हैं उसको, सेट ऑफ बॉक्स, सेट टॉप बॉक्स कनेक्टर अगर चेक करोगे, ये देखो ये ऐसे ही होते हैं, ठीक है ऐसे ही लगती है तुम्हारे घर में जो डिश टीवी वगैरह है। चलो ठीक है, तो दैट इज कोएक्सियल। तो यहाँ से एक एप्लीकेशन भी पता चलती है तुम्हारी कि कोएक्सियल केबल कहाँ यूज होती है, डिश टीवी में, ठीक है। और जो केबल मोडम है तुम्हारे ब्रॉडबैंड का, जो एक एग्जाम्पल है, जो हमने लास्ट चैप्टर की एक वीडियो थी शॉर्ट सी कि इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑप्शंस कौन से थे ना, तो उनमें से एक ब्रॉडबैंड था हमारे पास। तो ब्रॉडबैंड में एक तो तुम्हारे पास था जो केबल मॉडम, एक डीएसएल। तो केबल मॉडम में ये यही केबल लगती है, कोएक्सियल केबल, ठीक है, इसीलिए उसको केबल मॉडम बोलते हैं। ये देखो जैसे बीएनसी कनेक्टर होते हैं तुम्हारे पास, और तीन तरह के हो सकते हैं बीएनसी कनेक्टर। जैसे नंबर वन दिख रहा है, तो फिर टी कनेक्टर, जैसे तुम्हें दिख रहा होगा ना शेप से, इसको टी कनेक्टर बोल रहे हैं, इट्स लाइक दिस। और एक टर्मिनेटर होता है, तुमने अगर बस टोपोलॉजी पढ़ी होगी हमारी नेटवर्क वाले चैप्टर में, आई गेस चैप्टर नंबर 2 में, उसमें हमने बस टोपोलॉजी पढ़ी थी, उसमें हमने बात करी थी कि कोएक्सियल केबल ही एक बैकबोन केबल का काम करती है, और उसमें हमें फिर बस की एंड में है ना, कोएक्सियल केबल के एंड में एक टर्मिनेटर लगाना पड़ता है ताकि सिग्नल बाउंसिंग का जो इफेक्ट है वो जीरो किया जा सके, है ना, मिनिमाइज किया जा सके, तो ग्राउंडिंग करी जा सके जिसकी, तो ये टर्मिनेटर फिर उसके लिए यूज होती है। तो देख रहे हो ना कैसे चैप्टर्स और एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अगर हम सारी चीजें एक ही जगह डालने लगे तो फिर वो सब्जी मंडी सी टाइप बन जाती है ना, खिचड़ी सी पक जाती है। इसलिए जो चीज जहां ज्यादा सेंस बनती है वहां डाल के और फिर उसको थोड़ा जोड़ने की ट्राई करते हैं कि वो रेलेवेंस बनी रहे। सो आई गेस ये आपको क्लियर हो गया होगा कोएक्सियल केबल्स के बारे में यहाँ तक। देन एप्लीकेशन है, तो एनालॉग टेलीफोन नेटवर्क्स जो आपके लेगेसी नेटवर्क्स हैं वहां पे यूज होती है ना। फिर तुम्हारा डिजिटल टेलीफोन नेटवर्क, अभी वही अगेन उसी वीडियो की अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट वाली, तो हमने शुरू में क्या देखा था कि पहले हमारा ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी एनालॉग सिग्नल्स है ना, जो तुम्हारी टेलीफोन लाइन्स थी, फिर उसी में तुम्हारे डिजिटल सिग्नल्स भी जाते हैं। तो एनालॉग मीन्स आप सिर्फ कॉलिंग की बात कर रहे हो, देखो वॉइस सिग्नल्स, फिर आप डेटा की बात कर रहे हो जब डिजिटल की बात कर रहे हो, ब्रॉडबैंड की बात कर रहे हो, ठीक है। बट क्या लिख रहा है कि नाउअडेज दिस कोएक्सियल केबल हैज बीन लार्जली रिप्लेस्ड विद फाइबर ऑप्टिक। तो वही मैं पहले भी शुरू में बात कर रहा था कि अब तो आपको वायर में भी मेजरली क्या मिलेगी, फाइबर। और जहां वायरलेस भी हम पढ़ेंगे ना जब कम्युनिकेशन मीडियम, वहां भी तुम देखोगे कि कुछ ऐसी एप्लीकेशंस थी वायरलेस की पहले जो फाइबर ऑप्टिक या तो महंगा था या अवेलेबल नहीं था, इस वजह से वो हम वायरलेस पे चला रहे थे। बट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ फाइबर वी रिप्लेस दैट। जैसे हम माइक्रोवेव कम्युनिकेशन की बात करेंगे, तो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैज लार्जली बीन रिप्लेस्ड बाय फाइबर ऑप्टिक केबल्स, तो विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन। बट फाइबर हैज रिप्लेस्ड डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम्स, बिकॉज इसकी बहुत एप्लीकेशंस एंड एडवांटेजेस हैं, तो हम बात करेंगे इन फाइबर ऑप्टिक केबल वीडियो। ओके, केबल टीवी का बता दिया मैंने, ट्रेडिशनल ईथरनेट लैन जो मैंने बताया था आपको कि जो तुम्हारी टोकन बस, टोकन रिंग, उसमें ये चलती थी 10:2, 10:5। केबल मॉडम का मैंने तुम्हें बता दिया। केबल टीवी वाला वो वही है जो हम बात कर रहे थे ना कि डिश टीवी जो घर में हम वो चलाते हैं डिश वगैरह, और केबल मॉडम वो जो जिसके थ्रू आप इंटरनेट, मतलब कि इस सेम नेटवर्क पे, जिस नेटवर्क पे तुम्हारा टीवी चलता है ना, उसी नेटवर्क पे तुम इंटरनेट भी चला सकते थे, ठीक है। और उसको बोलते थे उसके लिए जिस मॉडम की जरूरत पड़ती थी उसको केबल मॉडम। तो खैर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस पूरे के ऊपर तो मैं एक पूरी सेपरेट चैप्टर रखूंगा, उसी के अंदर हम इसकी बहुत डेप्थ में बात करेंगे। तो अभी तो जितना समझ आ जाए चलो अच्छा है, नो वरीज। एडवांटेज क्या है, लॉन्गर डिस्टेंसेज किसके कंपैरिजन में कह रहा है, यहाँ पे लिखना चाहिए था, हाँ लिखा है, देन टीपी ट्विस्टेड पेयर, जब हम इससे नेक्स्ट पढ़ेंगे उसके कंपैरिजन में तुम्हारा ये लॉन्गर डिस्टेंसेज तक जा सकता है। कैसे, क्योंकि ये 200-500 मीटर तक भी जा सकता है। जो ट्विस्टेड पेयर हम बात करेंगे उसकी सिर्फ कितनी है रेंज लिमिटेशन, ओनली 100 मीटर, ठीक है। बट ये महंगा है भाई, इसके कनेक्टर्स महंगे हैं, तो तुम देखो इसके कनेक्टर तुम्हें बना नहीं सकते, तुम्हें बने बनाए लेने पड़ेंगे, मैन्युफैक्चर्ड आएंगे। पर जो तुम्हारे ट्विस्टेड पेयर के कनेक्टर्स हैं, दैट यू कैन एक नॉर्मल सा 1-2 दिन की ट्रेनिंग लिया हुआ बंदा भी आराम से अपने कनेक्टर, अपनी ट्विस्टेड पेयर केबल्स बना लेगा।
तो ये इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। ओके, सो इस वीडियो में हम इतना ही रख लेते हैं। तो हमने बात कर लिया एक बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम्स वी हैव, देन हमने बात कर ली है इन डेप्थ हमारी कोएक्सियल केबल्स के बारे में। इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट ट्विस्टेड पेयर केबल्स, एंड आई गेस इन अ सेपरेट वीडियो विल टॉक अबाउट फाइबर ऑप्टिक केबल, देन विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट वायरलेस कम्युनिकेशन वीडियो। सो आई होप दिस वीडियो हैज बीन इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई ऑलवेज वेट फॉर देम। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।